फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन यखनी पुलाव, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। ये 1 kg बासमती राइस है, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगा के रख दिया है। ये 2 से 3 आलू है, जिसे हम गोल्डन फ्राई करके रख देंगे। कुछ अक्खे गरम मसाले लिया है, जिसमें शाही ज़ीरा है, काली मिरी है, तेज़पत्ता है, दालचीनी है, लौंग है, स्टार फूल है और छोटी इलायची है। 3 टेबल स्पून मैंने दही ले लिया है, यहाँ 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन ले लिया है और यहाँ 50 ग्राम सौंफ धनिया ले लिया है मैंने। 10 से 15 हरी मिर्ची है, जिसे मैंने बीच में से कट कर लिया है और यहाँ 2 प्याज लिया है मैंने, जिसे फाइन चॉप करके रखा है। अल्लाह रहमान रहीम, यहाँ हम एक पतीली ले लेंगे, जिसमें हम 5 चम्मच तेल डाल लेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अक्के गर्म मसाले डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। हमने एक पतीली में 2 गिलास पानी लेके सौंफ धनिया को उबालने रख दिया है। बहुत से लोग पुलाव में पोटली बना के डालते हैं, जिससे पुलाव में टेस्ट नहीं आता है, तो हम ऐसे उबालेंगे। इसको हम ढक के रख देंगे। हमारा कांदा गोल्डन फ्राई हो गया है, अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर डाल देंगे। हम इसमें अक्की हरी मिर्ची डाल देंगे। हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। मिनट तक हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करके इसे अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें दही ऐड कर देंगे। फिर हमें इसमें हरा धनिया डालना है और पुदीना भी है। फिर हमें अच्छे से चम्मच चलाना है। अभी हम इसको पकने छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए। हमारी चिकन रेडी हो चुकी है, हम इसमें आलू फ्राई किया हुआ वो डाल देंगे। तो सौंफ धनिया हमने बॉईल करने रखा था, उसका पानी हम यूज करेंगे। ये एक्स्ट्रा सौंफ धनिया इसे हम फेंक देंगे, क्योंकि मेन उसका पानी ही है। चावल ऐड कर देंगे। इसमें 3 गिलास पानी डाल देंगे। चावल हमने पहले भिगा के रखा था, इसके लिए हम उसमें कम पानी डालेंगे। अगर आप चावल भिगा के नहीं रखोगे तो उसमें ज़्यादा पानी डालेगा। इसमें नमक कम था तो हम थोड़ा नमक ऐड कर देंगे। आप लोग भी अगर टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको कम लगा तो आप लोग भी और ऐड कर सकते हो। अभी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाई फ्लेम पे हमें उसे पकने छोड़ देना है, ढक्कन ढक के। पानी सूख चुका है माशाल्लाह से। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और ऊपर से हम इस पर फूड कलर डाल देंगे। देखिए, माशाल्लाह से हमारा पुलाव रेडी हो चुका है 10 मिनट के बाद, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। अभी हम इसे सर्व करेंगे। देखिए, हमारा खुशबूदार अखनी पुलाव बनके रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे कचुंबर के साथ।